थाना कविनगर में एक मामला आया है जिसमें एक हिंदू महिला है जो शादीशुदा है और टीचर है, अपने पति से उसका थोड़ा मनमुटाव है। उसको एक एचआर है इसमें फैजल नाम का व्यक्ति जो उसके संपर्क में आता है और उसको पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेता है, और जब उसके वो प्रभाव में आ जाती है तो पूरा अपने धर्म का अनुसरण उससे करवाना शुरू करता है। उसको मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज और सारी मान्यताएँ को वो स्वीकारने लगती है, उसके पूरे प्रभाव में आ जाती है। उसको ये भी प्रलोभन देता है कि उसकी अच्छी जगह मुस्लिम हो जाएगी तो उसकी अच्छी जगह नौकरी लगवा देगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से मामला जब उसके पति को मिलता है तो पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है, और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया, और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फैजल खान की क्या पहले ही कोई जानकारी है इस तरह की, क्या इसने पहले भी कोई ऐसा कृत्य किया है? क्योंकि फैजल की जो कहें कि व्हाट्सएप चैट जो है वह देखने को मिली है कि उसमें बिल्कुल उसने हर तरीके से उस महिला को गुमराह किया है, और लगातार जो चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सब कुछ उतरवा दिए और नमाज पढ़ने लगी और अपने घर में नमाज पढ़ती थी। हाँ, अगर देखा जाए तो फैजल खान जो है वो एचआर है, और वो उसके महिला से पढ़ाई के दौरान ही बताते कुछ संबंध थे, फिर बाद में उससे मिल जाती है, तो एक तरह से वो पूरा इसको अपने अपने धर्म में ले लेता है, और जो कहते हैं हिंदू धर्म के जो और मान्यता है उसको छोड़ देती है, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लेती है, नमाज पढ़ती है, तो कुल मिला के पूरी तरह से उसको अपने धर्म की गिरफ्त में लेकर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। सर, पहले भी गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चे का धर्म परिवर्तन मस्जिद में बुलाकर किया गया, अब लव जिहाद महिलाओं तक पहुंच के जहां नौकरी करती है वहां पर ये सारा काम हो रहा है कि नौकरी के करने के दौरान दोस्ती करना फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, कितना खतरनाक है। इसमें ये अगर इस मामले में आप देखेंगे तो एक तरह से उसको पूरी दोस्ती होती है, पूरी नजदीकियां होती है, फिर उसका माइंड वॉश करके उसका पूरा धर्म परिवर्तन किया जाता है प्रलोभन देके, तो इसमें एक कड़ा कानून है जिसके तहत इसमें उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। थाना कविनगर में एक मामला आया है जिसमें एक हिंदू महिला है जो शादीशुदा है और टीचर है, अपने पति से उसका थोड़ा मनमुटाव है। उसको एक एचआर है इसमें फैजल नाम का व्यक्ति जो उसके संपर्क में आता है और उसको पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेता है, और जब उसके वो प्रभाव में आ जाती है तो पूरा अपने धर्म का अनुसरण उससे करवाना शुरू करता है। उसको मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज और सारी मान्यताएं को वो स्वीकारने लगती है, उसके पूरे प्रभाव में आ जाती है। उसको ये भी प्रलोभन देता है कि उसकी अच्छी जगह मुस्लिम हो जाएगी तो उसकी अच्छी जगह नौकरी लगवा देगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से मामला जब उसके पति को मिलता है तो पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है, और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया, और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फैजल खान की क्या पहले ही कोई जानकारी है इस तरह की, क्या इसने पहले भी कोई ऐसा कृत्य किया है? क्योंकि फैजल की जो कहें कि व्हाट्सएप चैट जो है वह देखने को मिली है कि उसमें बिल्कुल उसने हर तरीके से उस महिला को गुमराह किया है, और लगातार जो चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सब कुछ उतरवा दिए और नमाज पढ़ने लगी और अपने घर में नमाज पढ़ती थी। हाँ, अगर देखा जाए तो फैजल खान जो है वो एचआर है, और वो उसके महिला से पढ़ाई के दौरान ही बताते कुछ संबंध थे, फिर बाद में उससे मिल जाती है, तो एक तरह से वो पूरा इसको अपने अपने धर्म में ले लेता है, और जो कहते हैं हिंदू धर्म के जो और मान्यता है उसको छोड़ देती है, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लेती है, नमाज पढ़ती है, तो कुल मिला के पूरी तरह से उसको अपने धर्म की गिरफ्त में लेकर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। सर, पहले भी गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चे का धर्म परिवर्तन मस्जिद में बुलाकर किया गया, अब लव जिहाद महिलाओं तक पहुंच के जहां नौकरी करती है वहां पर ये सारा काम हो रहा है कि नौकरी के करने के दौरान दोस्ती करना फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, कितना खतरनाक है। इसमें ये अगर इस मामले में आप देखेंगे तो एक तरह से उसको पूरी दोस्ती होती है, पूरी नजदीकियां होती है, फिर उसका माइंड वॉश करके